कर्मचारियों की हाजिरी हो या वेतन, हाफ डे हो या नाइट ड्यूटी, सबका रखो पूरा हिसाब, पूरे स्टाफ को मैनेज करो एक साथ एक ही ऐप पर, डाउनलोड पगार खाता। बिहार में सीधी लड़ाई है, आरजेडी के नेतृत्व में महागठबंधन है, उधर एनडीए है। तीसरे मोर्चे की कवायद कई बार शुरू की गई लेकिन वो सफल नहीं हुई। बिहार में जिस तरह से लगातार थर्ड फ्रंट की मांग हो रही थी और ये जितने भी बिहार की पार्टी हैं, शीर्ष पार्टी चाहे जेडीयू हो, आरजेडी हो, चाहे बीजेपी हो, ये कभी नहीं चाहते कि थर्ड फ्रंट बने। 20 साल से बिहार में थर्ड फ्रंट नाम की कोई चीजें नहीं रह गई है। हालांकि फूके हुए कारतूस टाइप कुछ नेता थर्ड फ्रंट जरूर बनाते हैं, लेकिन हकीकत जनता उनको बता देती है। उन्होंने बड़ा मशक्कत करके, मेहनत करके तीसरा मोर्चा बनाया। क्या हुआ? खत्म कर दिया गया। कौन खत्म किया? नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक। मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। ऑपरेशन एलजेपी या ऑपरेशन चिराग के बाद बिहार की राजनीति में एक सवाल बड़ी तेजी से उछल रहा है कि क्या बिहार में जेडीयू या फिर हम ये कहें कि महागठबंधन और एनडीए के अलावा कोई खेमा उठ नहीं पाएगा। क्योंकि अगर पिछले 2-3 उदाहरण की हम बात करें तो ऐसा लगता है कि अगर कोई भी नेता अपना जनाधार बढ़ाने की कोशिश करता है, एनडीए और महागठबंधन को टक्कर देने की कोशिश करता है, तो उसका अंजाम बेहद बुरा होता है। चलिए सबसे पहले उदाहरण ले लेते हैं पप्पू यादव। पप्पू यादव ने कोरोना त्रासदी के दरमियान एक अलग छवि, बड़े नेता रॉबिनहुड के तौर पर उभरने लगे तो उस वक्त अचानक से उनको जेल के अंदर डाल दिया जाता है। उसके बाद अगर हम उपेंद्र कुशवाहा की बात करें तो उपेंद्र कुशवाहा ने बिहार विधानसभा चुनाव में पुरजोर तरीके से नीतीश कुमार का विरोध किया था और चिराग पासवान की ही तरह लगातार नीतीश कुमार के विरोध में वो अपने पार्टी का प्रचार प्रसार कर रहे थे। लेकिन इसी बीच उनके पार्टी में 2 बार टूट हो जाती है और उपेंद्र कुशवाहा को नीतीश कुमार के सामने नतमस्तक होना पड़ता है और वापस घर वापसी करनी पड़ती है, जेडीयू का दामन थामना पड़ता है। उपेंद्र कुशवाहा के अलावा अब चिराग पासवान की बात करते हैं। चिराग पासवान ने भी जब नीतीश कुमार के खिलाफ आवाज बुलंद की, बेशक विधानसभा में सीटें अधिक नहीं आई लेकिन वोट प्रतिशत बढ़ा और जनाधार भी बढ़ा, वोटरों की संख्या भी बढ़ी, बढ़कर 25 लाख पहुंच गई। उसके बाद एकदम से ऑपरेशन चिराग हो जाता है। तो क्या माना जाए, बिहार की राजनीति में एनडीए और महागठबंधन के अलावा कोई तीसरा मोर्चा आगे नहीं बढ़ पाएगा? इस पर पॉलिटिकल रिएक्शन क्या कुछ आ रहा है, आइए देखते हैं। बिहार में जिस तरह से लगातार थर्ड फ्रंट की मांग हो रही थी और ये जितने भी बिहार में पार्टी हैं, शीर्ष पार्टी चाहे जेडीयू हो, आरजेडी हो, चाहे बीजेपी हो, ये कभी नहीं चाहते कि थर्ड फ्रंट बनपे। क्योंकि जिस तरह से बिहार में मदद का दौर चालू था, आदरणीय पप्पू यादव जी का जिस तरह से कार्य था, उनकी लोकप्रियता बढ़ रही थी, नतीजा जेल में है। एलजेपी का हाल देख लीजिए, किसी से छिपा हुआ नहीं है और आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी की भी यही स्थिति रही, उनकी लगातार पार्टी तोड़ी जा रही थी, अंत में वो जेडीयू में नतमस्तक हो गए। वो लोग भी चाहते हैं तीसरा मोर्चा का गठन करने की कवायद करते हैं, का सफल नहीं हो पाता है, इसलिए कि सभी लोगों को भरोसा राजद पर और जो युवा नेतृत्व है तेजस्वी यादव जी उस पर हो चुका। बिहार में थर्ड फ्रंट का वजूद सिर्फ इतना ही है कि महत्वाकांक्षी जो नेता हैं वो एक दल और एक ग्रुप बनाते हैं जो चाहते हैं कि हमें बिहार का मुख्यमंत्री बनना है, लेकिन नतीजा बिहार की जनता उनको उनके हाथ में थमा देती है। थर्ड फ्रंट निसंदेह ऐसे नेताओं का जमावड़ा है जिन्हों महत्वाकांक्षी होते हैं, फूके हुए कारतूस होते हैं, उनका बिहार की राजनीति से अब कोई लेना देना और कोई विकल्प वो बन के नहीं रहा। जब भी कोई बड़ा नेता बिहार की राजनीति में उभरने की कोशिश करता है तो कभी आरजेडी उसका सर्जिकल स्ट्राइक कर देती है तो कभी जेडीयू जो है ऑपरेशन चिराग कर देती है। तो क्या समझा जाए कि बिहार की राजनीति में अगर आपको टिकना है, अपनी पार्टी को बचाना है, अपना राजनीतिक अस्तित्व बचाना है, तो या तो महागठबंधन के साथ हो लीजिए या एनडीए के साथ आप चले जाइए, नीतीश कुमार का हाथ पकड़ लीजिए। तो बता दें कि इस पूरे मामले पर वरिष्ठ पत्रकार क्या सोचते हैं वो भी आपको बताते हैं। दो आंख है ये तो हम तीसरा आंख काहे लिए बनने दें, ऐसे समझ लीजिए, घाटा होता है उससे ना।
अंत में उपेंद्र कुशवाहा को नीतीश कुमार की शरण में सरेंडर करना है। और मैं आपको बोल देता हूं, नोट कर लीजिए, पप्पू यादव भी आइदर नीतीश कुमार और लालू यादव सरेंडर करना होगा। लेकिन मेरे पास जो जानकारी है कि जेल से निकलने के बाद और बिफोर कमिंग नेक्स्ट इलेक्शन, बिफोर द नेक्स्ट इलेक्शन कमिंग क्या, ही विल ज्वाइन जेडीयू। हमारे पास पहले उपेंद्र कुशवाहा, फिर पप्पू यादव और अब चिराग पासवान। जब भी किसी नेता ने बिहार में उभरने की कोशिश की, एनडीए महागठबंधन से आगे बढ़ने की कोशिश की, एक अलग अस्तित्व बनाने की कोशिश की, खुद को एज अ सीएम कैंडिडेट प्रोजेक्ट करने की कोशिश की, तो उसका अंजाम क्या हुआ सबने देखा। अब देखना होगा कि जिस तरीके से चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा और उसके अलावा पप्पू यादव ने एक कोशिश की बिहार की जनता को एक और ऑप्शन देने की, क्या ऐसी कोई कोशिश आगे कर पाएगा या नहीं। बिहार की खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार तक।